हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एच के ड्रीम्स 2005। आज मैं विसर्जन का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैंने अनंत चतुर्दशी यानी चौदस के दिन विसर्जन किया था। मैं पूरे 10 दिन गणेश जी को अपने घर पे लाती हूँ। गणेश जी आते हैं हमारे घर पे, लाती नहीं बोल सकते। तो गणेश जी हमारे घर पे 10 दिन रहे थे और मैंने किस तरह से विसर्जन किया वह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से पानी लेना है, बकेट लाती हूं, पर इस बार और ये गंगा जल है, इसे मैं इसमें ऐड करूंगी। इसके बाद जो भी फ्लावर है, और हाँ ये दूसरी बात ये कि जब भी ये विसर्जन हो जाए और इसके बाद ये पानी है ये तुलसी में नहीं डालना है, उसके अलावा आप किसी भी पौधे में डाल सकते हो। तो बोले इसके अंदर फिर इस तरह से फ्लावर्स लेने हैं, आपके पास जो अवेलेबल है वह पूरे फ्लावर्स से इसे ढक देना है विसर्जन के लिए। और ये पानी पौधों में डालना है, ये खास याद रखना, और तुलसी में नहीं, तुलसी माता है उसमें नहीं लेना है आपको ये पानी। पिछली बार मैं ये विसर्जन नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे घर में एक हादसा हो गया था, तो मुझे बहुत ही सुबह करना पड़ा था विसर्जन, तो मैंने उस टाइम आपके साथ ये शेयर नहीं किया था। इससे पहले भी जिस तरह से मैंने विसर्जन किया था वो है, आप जो गणेश विसर्जन का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो, वह विसर्जन भी मैंने किया था। और हाँ, हर बार मैं पोट लेती हूँ एक, और उसमें ये मिट्टी वाला जो गमला मिट्टी हो जाती है, फिर उसे उसमें कुछ ना कुछ मैं भी बोझ देती हूँ। पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था कि जो हमने लिया था वो मिट्टी का मूर्ति नहीं आई थी, वो गणेश जी हमारे POP के आए थे, तो मैंने उसे किस तरह से घर में लेके यूज़ किया है उसे मैंने पानी में नहीं पधराया था, मैंने इसी तरह करवाया था। फिर मैंने वही जो मूर्ति है उसे कैसे डेकोरेट किया है वह प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। ये थोड़ा मैंने इत्र भी ले लिया है तो जो पानी है वो सुगंधित हो जाएगा। अब हम आरती करेंगे और आरती के बाद विसर्जन। एक दंत दयावंत चार भु जय गणेश गणपति बप्पा मोर आज मैंने किसी भी ट्यूशन के बच्चे को नहीं बुलाया था क्योंकि टेरेस पे क्या है कि बाजू वाले घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, अगर हम बच्चों को बुलाए शायद कुछ लग जाए और छत पे बच्चे खेलते हो गिर जाए, सीढ़ियाँ से गिर जाए, ऐसा डर था, इसलिए मैंने बच्चों को नहीं बुलाया। दूसरे दिन बच्चे मुझे बहुत ही सुनाएंगे कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। बस इस तरह से मैंने एकदम सिंपल से विसर्जन किया है, थोड़ा बहुत ही गाना बजाया लैपटॉप से और थोड़ा बहुत ही बस इस तरह से सिंपल से किया था।
और छत पे पहले से ही बकेट लाके रख दिया था और उसके अंदर ही मैंने ऐसे विसर्जित किया। 3 डुबकियाँ लगाते हैं, पहले 1, 2, 3 और फिर चौथी बार जब लाते हैं तो ऊपर नहीं लाते, नीचे ही ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरे पास जितने भी गणेश जी के सामान था, जैसे कि मैं हर मंगलवार को पूजा करती हूँ, तो ये कपड़ा और जो सुपारी है वो भी मैंने इसके अंदर ही प्रवाहित कर दी, और ये सुपारी है वह मैं किसी को दे दूँगी, और फ्लावर्स वाला जो पानी बचेगा वो मैं किसी गमले में ले लूँगी, तुलसी के अलावा जो गमला है उसमें ही। और जो हर बार आपको पता है मैं चांदी की कोई ना कोई चीज़ लेती हूँ, जैसे गणेश जी की पूजा करते वक्त जो भी पैसे होते हैं उसमें से, तो इस बार मैंने इस क्या लेती हूँ मुझे भी पता नहीं, पर ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी। कृष्णा को गुलाल से खेलना था पर मैंने मना किया था, क्योंकि साइड जो है पीछे का वहाँ मैंने आपको दिखाया नहीं, वहाँ पे बहुत ही सीमेंट पड़ा हुआ था। तो बस हमारा इतना सिंपल सा विसर्जन है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। लाइक करना, आपके फ्रेंड्स से उनके साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।